हाँ एप्पल ट्री सेव का गाछ है ये, मतलब मुझे कोई लोकल आदमी बता रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हिमाचल यात्रा का विवरण। हे गाइस वेलकम बैक अनदर वीडियो, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिमला के इस न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं खड़ा हूँ शिमला के फेमस चर्च के पास जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च, और अभी देखूँगा अंदर जाके कि वहाँ पे क्या है, कैसे मतलब प्रेयर्स वगैरह होती हैं। और बहुत पुराना चर्च है और शिमला का बहुत फेमस चर्च है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत मतलब नज़दीक है। आप जैसे दरिज पे आओगे यहाँ से पास में ही है, ये रहा अपना चर्च। नीचे उतर के जाने हैं और इसके बाद जाऊंगा मैं जाखू मंदिर, जो कि बहुत ऊपर देखो स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। जाखू मंदिर शिमला का सबसे ऊंचे वाले जगह पे, तो अभी इसके बाद मैं वहीं जाऊंगा। ये इस चर्च के बारे में लोग बोलते हैं कि ये जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे और उसके बाद ही बना था, और ये मतलब पहला चर्च है जो कि बना था जब यहाँ पे ब्रिटिश आए थे तब। ये अपना चर्च, यहाँ पे सारी बैठने के लिए लगा है फोटो, यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते बैठ बैठ के। शायद इसमें जाना अलाउड नहीं, एंट्री बंद है, पता नहीं क्या सीन है यार, बोर्ड वोर्ड भी कुछ नहीं लगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, अभी पढ़ के देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। क्राइस्ट चर्च शिमला इस क्लोज यहाँ पे देखो टाइम लिखा हुआ है मंडे टू सैटरडे, और 10:30 से लेके 1 बजे तक, और फिर 2:15 से लेके 3। मुझे वहाँ पे जाना है, वो जो हनुमान जी का दिख रहा है अभी बहुत ऊपर है यार, मज़ा आएगा, तो वहाँ पे जाना है। मैं भी देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे घूम लूँगा उसके बाद जाऊँगा। तो यही है शिमला का फेमस चर्च जो कि अभी बंद है। रात में इधर आने पर अलग ही मतलब व्यू दिखता है यार, बिल्कुल लाइट से सब कुछ सजा देते हैं। वो दूर मैं पता है चर्च आना हो तो आप यहाँ पे दरीज पे आना, और उसके पास में या बहुत पास में यहाँ पे टाइमिंग अभी है नहीं, मतलब प्रेयर करने का टाइमिंग नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाके देखता। और चर्च में मैं गया था कल, जो कि वो तो मतलब खुला हुआ था, तो मैं कल गया भी था 11 बजे से, तो अब यहाँ पे 11 बजे आने पड़ेंगे, तो अभी रुकूंगा बहुत दिन, बीच में आके कभी किसी दिन ब्लॉगिंग करूँगा। यहाँ से दिख रहा है कैमरे में, जूम करने पे थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा बट दिख रहा। तो वहाँ पे जाऊँगा। आप जब भी मतलब शिमला का कोई भी वीडियो देखते होगे या कोई भी ब्लॉग देखते होगे तो उसमें दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है, पहला ये चर्च है और दूसरा वो जो रिज है जो कि आगे पूरा जगह खाली था, तो बहुत फेमस जगह है ये भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।